ये नेता से बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं होता। हर कुकर्म में ये साझीदार होता है, हर घटना में ये साझीदार। कोई दंगा हो तब नेता, कोई जात का दंगा हो तब नेता, लूट हो तब नेता, माफियागिरी हो तब नेता। इसलिए हर चीजों में हिस्सेदार है नेता। समाज को इस पैगाम पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान नेताओं का है। और नेता यह समझ लिया है कि हम गाय को काटेंगे, अखलाक पर वोट ले लेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लेंगे, पत्थर मंदिर और भगवान के नाम पर शोषण करेंगे और फिर बांटेंगे और मस्त होकर के हमको वोट मिलेगा। 5,500 रुपया पर एक वोट दलित का मिल जाएगा, 5,000 पर दलाल खरीदे चले जाएंगे, मस्त है। इसलिए उस पर कोई बहस नहीं है जनाब। 15,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ कर्नाटक के चुनाव में, 20,000 करोड़ खर्च हुआ 25,000 करोड़ गुजरात में। पानी सवाल, पानी मुद्दा नहीं बनता है, 6 साल के बाद पानी नहीं मिलेगा। 1.3% वाटर मात्र पानी पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और खेती करने के लिए बचा है हिंदुस्तान में। यह इशू, यह विषय नहीं है आम आदमी और नेताओं के लिए और पार्लियामेंट के लिए। इशू है मराठा आंदोलन, आरक्षण, SSC, OBC, NRC। सर 10 आदमी नहीं मिलते, हमसे पूछा एक आदमी कि पप्पू यादव हर दिन भगत आप ही क्यों लोकसभा में बैठे रहते हैं 10-20 सब क्यों नहीं बोलता। हमने कहा पब्लिक को जिससे मतलब है उसमें लोग बैठते हैं, पब्लिक को जिससे मतलब नहीं है लोग अपना एंजॉय करते हैं, फौरन देखते हैं, पार्लियामेंट से निकलेंगे फौरन देखेंगे, एंजॉय करेंगे। पब्लिक को मतलब है हो से, पब्लिक को मतलब उसके बेटे के रोजगार से नहीं है, नौकरी से नहीं है, फार्मर को किसानी से नहीं है, मजदूरों को मजदूरी के प्लान से नहीं है। जिस चीजों से पब्लिक को मतलब होता है नेता उसमें एंजॉय करते, मजे लेते, बैठे रहता। तो यही तो सदन है।